हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सांत्वना और आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। तो ये जो व्लॉग है ये है 29 सितंबर का, जिस दिन था मेरी बेटी प्यूषा का बर्थडे। और बर्थडे के दिन मैंने उसका जो बर्थडे केक था वो खुद ही बनाया था। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर कि कैसा लगा आप लोगों को व्लॉग। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को व्लॉग ज़रूर पसंद आएगा। अभी बज रहे रात के 12:30 और फाइनली मेरी मेहनत रंग लाई। और ये देखिए प्यूषा का केक बिल्कुल रेडी है, बार्बी वाला। और कितना प्यारा बना है ये केक, कितनी प्यारी लग रही है ये डॉल। बस थोड़ा सा टचअप बाकी है, तो अभी फाइनली मैं वही कर रही हूँ। और कैसा लगा केक मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मुझे इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। और कैसी लगी मेरी डॉल, मेरी डॉल के लिए मैंने ये डॉल बनाया है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को केक की पूरी रेसिपी चाहिए होगी तो आप लोग मेरी बहन का चैनल है नियति वैष्णव व्लॉग्स, उस पर जाकर जरूर विजिट कीजिए। उसमें आप लोगों को पूरी रेसिपी मिल जाएगी। और वैसे मैंने अपने चैनल पर भी पहले डाली हुई है केक की रेसिपी, पर इस केक की अगर आप लोगों को रेसिपी चाहिए होगी तो उस चैनल पर जरूर विजिट कीजिएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और अभी समय है सुबह का, और सुबह मैं मेरे बच्चों के बर्थडे के दिन हनुमान जी का पाठ करवाती हूँ, या घर में कोई भी छोटा सा पूजा या फंक्शन रखती हूँ तो हनुमान जी का पाठ तो मेरे दोनों बच्चों के बर्थडे में सुबह सुबह मैं ज़रूर करवाती हूँ। तो बस अभी उसी की तैयारी चल रही थी। और छोटा सा मंदिर है हमारा हनुमान जी का, तो वहीं पर मैंने सुंदरकांड का अखंड पाठ करवाया था पंडित जी से। और यहाँ पर बन रहा है चॉकलेट सैंडविच, जो प्यूषा अपने स्कूल लंच बॉक्स में लेकर जाने वाली है। तो वो अपनी मौसी से फरमाइश की थी अपने बर्थडे के दिन कि मेरे लिए आप चॉकलेट सैंडविच बनाना मौसी। तो बस मेरी जो बहन है वो उसी की तैयारी कर रही है, और प्यूषा की नानी जो नॉर्मल सैंडविच होता है वो बना रही थी। यहाँ है मेरी बर्थडे गर्ल, और आज सारी चीज़ें उसके पसंद की बन रही हैं। यहाँ पर बना हुआ है सैंडविच, मसाला सैंडविच है ये, ढोकला, और ये है चॉकलेट सैंडविच जो उसकी मौसी ने बनाया है। और प्यूषा अभी स्कूल जाने के लिए रेडी हो रही है, क्योंकि वो अपने टिफिन में ये सारी चीज़ें लेकर जाएगी। और अभी हो चुका है समय शाम का, और यहाँ पर हो रहा है डेकोरेशन, और डेकोरेशन प्यूषा और उसकी मौसी दोनों ने मिलकर किया था। तो बस दोनों ने आपस में मिलकर ही कर लिया था, क्योंकि मैं हो गई थी किचन में बिजी, और किचन में मम्मी और मैं हम दोनों खाना बना रहे थे, और डेकोरेशन प्यूषा और उसकी मौसी दोनों ने मिलकर किया था।
और यहाँ पर पीयूषा हो चुकी है रेडी अपने बर्थडे पार्टी के लिए और उसे तैयार किया है उसकी मौसी ने। तो मैं यहाँ पर मम्मी और मेरी बहन के आने से बहुत ज़्यादा हल्का महसूस कर रही हूँ, बहुत फ्री महसूस कर रही हूँ, क्योंकि मेरा काम आधा आधा दोनों ने बांट लिया था और मेरा काम बहुत हल्का हो। और अभी हो चुका है शाम का समय और सभी रेडी हैं बर्थडे के लिए, बस हम हमारे मेहमानों का इंतज़ार कर रहे थे। तो पीयूषा के कुछ फ्रेंड्स और हमारे कुछ फ्रेंड्स आने वाले थे तो बस हम लोग उन्हीं का वेट कर रहे थे। Yeah.
हम इसके लिए भी लेकर आए थे। तो ये एक पेंसिल बॉक्स है जो कि ये देखिए कुछ ऐसा है, और साथ में ये एक बाइक के जैसे भी यूज हो सकता है। तो बस बच्चों को यही सब पसंद आता है। अब हम जल्दी जल्दी देखते हैं कि इन सारे बॉक्स में क्या है। आज का वीडियो यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ आप सभी को बहुत पसंद आया होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।